सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं अपने एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का विकास। अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो ये टॉपिक आपके UGPA कोर्स कोड है, UGPA 101, पेपर का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, और आज उसकी तीसरी यूनिट है, यूनिट 3। इससे पहले 2 यूनिट में ऑलरेडी उसके लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त MA PS यानी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी ये हमारा टॉपिक आता है, वहाँ पर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर है, कोर्स कोड है MA PS 104, और उसकी आज ये यूनिट 2 है, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो दोनों के अंतर्गत आता है, समान रूप से उपयोगी है। आप यदि राजनीति विज्ञान के शिक्षार्थी हैं तो भी आप इसे लेक्चर को देख सकते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी बात की है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सामने 2 स्वरूपों में है। पहला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी, और दूसरा है एज अ डिसिप्लिन। एज एन एक्टिविटी यानी जो दिन प्रतिदिन के मामले में जो व्यवहारिक रूप में हम प्रशासन को देखते हैं जो प्रक्रिया के रूप में, तो वो अलग है, और जो हम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं जिसमें अध्ययन और अध्यापन किया जाता है, शोध किया जाता है, वो एन एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में उसे हम जानते हैं। तो 2 स्वरूपों में है, एज एन एक्टिविटी एज ए डिसिप्लिन। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो है एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज डिसिप्लिन, यानी कि एक्टिविटी के रूप में नहीं, आज हम डिसिप्लिन के रूप में इसका कैसे क्रमिक विकास हुआ है, आज जिस स्वरूप में हम इसे पढ़ रहे हैं, कैसे किन चरणों से गुजरकर यहाँ तक आया है। यदि हम एज एन एक्टिविटी इसको पढ़ते तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ऋग्वैदिक पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, पोस्ट वैदिक पीरियड, उसके बाद मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस प्रकार इस क्रम में हम व्यवहारिक प्रशासन की बात करते हैं, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, उससे पहले सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रशासन व्यवस्था थी, और ब्रिटिश पीरियड में। लेकिन यहाँ पर हम विषय के रूप में इसकी विकास यात्रा की बात कर रहे हैं, तो आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज डिसिप्लिन की बात करेंगे। द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम 1887 ऑनवर्ड्स। आप सभी को पता है कि लोक प्रशासन एक नया विषय है, राजनीति विज्ञान से अलग हुआ है, और इसको 1887 में इसकी शुरुआत मानी जाती है, जब वुड्रो विल्सन, जो कि उस समय पॉलिटिकल साइंस के एक प्रोफेसर थे, हालांकि बाद में उस अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने वुड्रो विल्सन, तो वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। तो इनका 1887 में एक लेख प्रकाशित हुआ था, एक आर्टिकल था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक पॉलिटिकल साइंस के जर्नल में इसका प्रकाशन हुआ था, जिसका नाम था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, एक पत्रिका थी, उसमें लेख प्रकाशित हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि एक किसी प्रोफेसर ने एक लेख प्रकाशित कर दिया और किसी नए विषय का जन्म हो गया, विषय का विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके पीछे भी कोई एक आधारभूमि होगी, कोई बैकग्राउंड होगा। सबसे पहले हम भारतीय संदर्भ की बात करते हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो आप सभी ने सुना होगा कौटिल्य का एक जो महान ग्रंथ है, आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर ही एक टेक्स्ट बुक उसको हम मान सकते हैं, यानी लोक प्रशासन पर एक सैद्धांतिक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि कैसे एक राजा को अपना प्रशासन चलाना चाहिए। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, अमात्य हैं, स्थानिक हैं, गोप हैं, समाहर्ता है, उसके डिवीजन बनाए गए हैं, कैसे मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत विस्तार से बताई गई हैं। इन सब चीज़ों के अतिरिक्त हम अभी भारतीय संदर्भ में ही बात करेंगे तो महाभारत का शांति पर्व, महाभारत के शांति पर्व में भी राजा के जो कार्य हैं, जो राज्य को चलाने की कला है, जो आर्ट ऑफ गवर्नेंस है, इसकी बात की गई है। शुक्र नीति सार में भी इसकी बात की गई है, और टीचिंग ऑफ कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस चीन के एक महान दार्शनिक थे, इनके जो उपदेश हैं, टीचिंग्स हैं, इसमें भी हमें प्रशासनिक सिद्धांतों की बात पता चलती है, उनके बारे में चर्चा की गई है। और प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, इसके अतिरिक्त अरस्तु की बुक है पॉलिटिक्स, मैकियावेली ने द प्रिंस लिखा है, उसमें भी आर्ट ऑफ गवर्नेंस की बात की है। जॉन लॉक की जो बुक है टू ट्रीटिजेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासन पर 2 निबंध, इसमें भी शासन व्यवस्था की ही बात की गई है। तो ऐसे हम देखें तो कई सारे ऐसे हमें पुस्तक या ग्रंथ मिल जाएंगे जहाँ पर लोक प्रशासन की कहीं ना कहीं बात की गई है काफ़ी समय से।
लेकिन 1812 में एक चार्ल्स जीन बोनिन का प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक है, फ्रेंच भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी 1812 में एक थीसिस लिखा था चार्ल्स जीन बोनिन ने, लेकिन उन्हें भी यूनिवर्सल रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, इसको भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्स्ट बुक नहीं माना गया। तो 1887 में जब वुड्रो विल्सन ने एक लेख लिखा, जैसे मैंने अभी बताया स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ से लोक प्रशासन विषय का जन्म हुआ और उसी वर्ष को माना जाता है कि लोक प्रशासन के विषय की शुरुआत हुई। द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज पास्ड थ्रू सेवरल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इसके विकास के कई चरण हैं। हालांकि अलग अलग जो थिंकर हैं, विचारक हैं, उन्होंने अपने अलग अलग बताए हैं, जैसे कि निकोलस हेनरी, आप उनको पढ़ेंगे, उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स, और तो उन्होंने अलग अलग स्टेजेस बताई हैं। इसके साथ ही रॉबर्ट्स गोलम्बस्की को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने चार स्टेजेस बताई हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें कुछ स्टेजेस में, कुछ फेजेस में बांटा गया है, जिसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे पांच चरण हैं, पांच फेज हैं। तो पहला जो फेज है वो 1887 से 1926 के बीच का माना जाता है, और इसको हम जानते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी, यानी राजनीति प्रशासन के द्विविभाजन से संबंधित इस फेज को माना गया है। दूसरा है 1927 से 1937 तक, द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंतर्गत प्रशासनिक सिद्धांतों की बात की गई है। अलग अलग विचारकों ने अपने अलग अलग संगठन के सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट फेज है फेज थ्री, 1938 से 1950, क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस, यानी आलोचना और चुनौतियों का काल इसको कहा गया है। इसमें कुछ आलोचनाएं हुई सिद्धांतों की और कुछ चुनौतियां भी दी गई इस विषय को। फेज फोर है 1950 से 1970 तक, और इसको जो नाम दिया जाता है वो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, यानी पहचान का संकट, लोक प्रशासन के विषय के अस्तित्व को ही एक उस पर संकट आ गया था, उसको अलग आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही थी, अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने में समस्या आ रही थी। लास्ट फेज है जिसको हम 1971 से मानते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंस पे, और किसी किसी पुस्तक में आपको ये पब्लिक पॉलिसी पर्स्पेक्टिव के नाम से भी मिल जाएगा, इसको आप चाहे पब्लिक पॉलिसी पर्स्पेक्टिव भी लिख सकते हैं, आगे हम देखेंगे इसको। तो हम बात करते हैं फेज वन की, द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी, यानी कि राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, इसका जो टाइम पीरियड है 1887 से 1926 तक है। तो जो वुड्रो विल्सन थे, एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, और इनका एक बहुत ही अच्छा लेख था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रकाशित हुआ था। इसके प्रकाशन के बाद विद्वानों ने काफ़ी इसकी प्रशंसा की और माना कि हाँ, राजनीतिक प्रशासन से अलग है। तो इस लेख में वुड्रो विल्सन ने बताया कि कैसे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वुड्रो विल्सन का मानना था कि किसी भी संविधान को बनाने की अपेक्षा उसे चलाना कहीं अधिक कठिन है, जैसे कि इट इज़ गेटिंग हार्डर टू रन कॉन्स्टिट्यूशन दैन टू फ्रेम वन। संविधान बनाना तो आसान है, संविधान आपने देखा होगा आदर्शवाद से भरा होता है, लेकिन जब उसको क्रियान्वित करते हैं, जो उसमें लिखी हुई बातें होती हैं, तो समस्या आती है। तो संविधान को बनाने से ज़्यादा कठिन है उसे चलाना। और दूसरी बात इन्होंने कही, वुड्रो विल्सन ने, जो पॉलिटिक्स है वो नीति निर्माण का कार्य करता है, अपनी इच्छा को प्रतिपादित करता है, अपनी इच्छाओं को बताता है कि हमें ये करना है, क्या करना है और उसे कैसे करना है, उसका क्रियान्वयन का कार्य प्रशासक करते हैं। तो जब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग हैं, तो क्यों नहीं इस विषय को अलग अलग पढ़ाया जाता है, क्यों हम पॉलिटिकल साइंस में ही दोनों चीज़ें पढ़ते हैं? तो जब दोनों का कार्य ही अलग है, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग अलग विषय होने चाहिए, पढ़ाए जाने चाहिए। तो ये इनके लेख में ऐसी कुछ बातें थी, और इनकी इसी बात को एक अन्य प्रोफेसर थे फ्रैंक जे गुडनाउ, आपने नाम सुना होगा, इनकी पुस्तक थी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 1900 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने भी वुड्रो विल्सन की बात को आगे बढ़ाते हुए, उसका समर्थन करते हुए यही कहा कि जो राज्य है, जो पॉलिटिक्स है, वो अपनी इच्छा बताता है कि हम क्या करना चाहते हैं, और क्रियान्वयन का कार्य प्रशासकों पर छोड़ दिया जाता है। तो ये दोनों अलग हैं और अलग विषय में इन्हें पढ़ाया जाना चाहिए।
तो इसी पर आधारित एक 1926 में 1926 में बुक आती है एल डी वाइट की, जिसको फर्स्ट टेक्स्ट बुक माना गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रथम पाठ्य पुस्तक। उसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इस बुक में जो वुड्रो विल्सन और फ्रैंक जे गुडनाउ इन विद्वानों ने जो बात कही है, जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी की बात की जाती है, दोनों अलग हैं तो विषय भी अलग होना चाहिए, इसी का समर्थन करते हुए इन्हीं बातों से संबंधित अपने विचार इसमें प्रस्तुत किए हैं एल डी वाइट ने। नेक्स्ट फेज है फेज टू, द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस फेज को सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए। जब ये कहा गया कि ठीक है अलग से विषय आपका है, मान्यता मिल गई है, तो सिद्धांत कहाँ है आपके पास, प्रिंसिपल्स कहाँ हैं, अलग विषय है तो उसके प्रिंसिपल्स भी, हर सब्जेक्ट में अपने को सिद्धांत होते हैं, तो प्रिंसिपल्स कहाँ हैं, तो प्रिंसिपल्स की बात जब की गई। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, लेकिन वुड्रो विल्सन ने कोई सिद्धांत नहीं दिया, कोई थ्योरी उन्होंने नहीं डेवलप की, सिर्फ उन्होंने ये बताया कि कैसे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन दो अलग चीज़ें हैं, दोनों विषयों को अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए। फ्रैंक जे गुडनाउ, अब जैसे फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है वुड्रो विल्सन को, और फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रैंक जे गुडनाउ को कहा जाता है। तो जब फ्रैंक जे गुडनाउ ने भी वही उन्हीं की बात को दोहराया और अपना अपनी पुस्तक में लिखा, तो इन लोगों ने कोई सिद्धांत नहीं दिया। तो ये 1926 तक जो एल डी वाइट की बुक आई थी द स्टडी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो एक अलग कर दिया गया पीरियड, और इसको कहा गया प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन के सिद्धांतों का जो समय है, जो समय काल है, वो 1927 से 1937 तक। इन 10 वर्षों में अनेक सिद्धांत विकसित किए गए, और पहली पुस्तक जो है डब्ल्यू एफ विलोबी की, उसका टाइटल है द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब ये पुस्तक आई लोक प्रशासन के सिद्धांत, तो सिद्धांत पे चर्चा होने लगी, फिर और जो विचारक थे और जो विद्वान थे उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। इसी क्रम में एम पी फॉलेट की पुस्तक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में आई, हेनरी फ्योल की पुस्तक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब आप कहेंगे कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट तो 1916 में आई है, तो बिल्कुल सही है। 1916 में इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में एक बुक लिखी थी, हेनरी फ्योल एक मैनेजर थे मैनेजमेंट पर, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और जो ओरिजिनल बुक है 1916 में आई थी, और इसका जो इंग्लिश वर्जन है, इसका जो ट्रांसलेशन किया गया था इंग्लिश में, वो पब्लिश हुआ था 1929 में, इसलिए हमने इस टाइम पीरियड में इसको रखा है। इसके बाद मूने एंड रैले, इन्होंने भी अपने अलग सिद्धांत दिए। इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939 में, और ये बुक इससे पहले ही पब्लिश हो चुकी थी 1931 में ऑनवर्ड इंडस्ट्री के नाम से, दोबारा इसी को प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से 1939 में पब्लिश कराया गया। उसके बाद लूथर गुलिक और लिंडन उर्विक, इनके भी हम प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, और इन्होंने मिलकर के एक पुस्तक प्रकाशित कराई थी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1937 में आई थी, और इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। लूथर गुलिक और उर्विक, लूथर गुलिक ने 10 सिद्धांत दिए हैं संगठन के, और उर्विक ने 8 सिद्धांत दिए हैं। और आपने पोस्ट कोर भी, पोस्ट कोर थ्योरी सुना होगा, मैंने अपने पिछले लेक्चर में इस पर चर्चा भी की थी। ये पोस्ट कोर सिद्धांत लूथर गुलिक ने दिया था, उन्होंने अपने जो संगठन के 7 गतिविधियाँ हैं, उन 7 गतिविधियों को उनके संक्षेप में प्रथम अक्षरों को मिलाकर पोस्ट कोर बनाया, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और CO मिलाकर के, दोनों एक में ही पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग, कैसे एक संगठन में इन गतिविधियों से काम किया जाता, तो इनके प्रथम अक्षर को मिलाकर के पोस्ट कोर भी एक शब्द बनाया था, लूथर गुलिक की ये देन है। इसकी भी बहुत चर्चा हुई थी और बहुत पॉपुलर पोस्ट कोर थ्योरी बहुत पॉपुलर हुई थी। तो इसको, इन 10 वर्षों को सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स डेवलप हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, पर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है उसमें बड़ा गुरूर आ गया इस टाइम पीरियड में कि हाँ हमारा एक अलग विषय है, हमारे पास सिद्धांत हैं, और खूब चर्चा होने लगी लोक प्रशासन के विभाग, अमेरिका में खासकर लोक प्रशासन के विभाग, वहाँ पे अलग से डिपार्टमेंट ओपन होने लगे, अलग से विषय पढ़ाया जाने लगा, इस पर सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज होने लगी, रिसर्चेज होने लगी, उसके लिए गवर्नमेंट ने फंड दिया। वुड्रो विल्सन जो
लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। बाद में जब वो अपने देश के राष्ट्रपति बने तो इसके लिए बहुत सारा फंड दिया और विश्वविद्यालयों में इसको शुरू कराया, प्रयास भी किए। नेक्स्ट है फेज थ्री, क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस। अब सिद्धांत डेवलप हो गए, लोक प्रशासन अलग से पढ़ाया जाने लगा, लेकिन फेज थ्री आया उसके बाद जिसको आलोचना और चुनौतियों का काल कहते हैं, क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस, 1937 से 1950 तक का टाइम पीरियड इसे माना जाता है। इसमें एक बुक आई चेस्टर बर्नार्ड की, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, 1938 में किताब आई और ये अनुभवी प्रशासक थे। तो अपनी इस बुक में चेस्टर बर्नार्ड ने कहीं भी लोक प्रशासन के किसी भी सिद्धांत के बारे में चर्चा नहीं की, कोई भी सिद्धांत की व्याख्या नहीं की और इन्होंने संगठन में मानवीय पक्ष पर जोर दिया और प्रशासन को एक कोऑपरेटिव एफर्ट बताया, कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ ह्यूमंस, मतलब मनुष्यों का एक सहकारी जो प्रयास है उनकी गतिविधि है, इसके अलावा प्रशासन को कुछ भी नहीं बताया। तो इनकी इस किताब से लोक प्रशासन के जो सिद्धांत इतने आ चुके थे, इतनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी, लोक प्रशासन के विद्वानों को एक यहाँ पर झटका लगा, एक तरीके से चैलेंज मिली। इसकी जो मेन थीम है इस टाइम पीरियड की, इस फेज की, द चैलेंज केम बेसिकली इन टू फॉर्म्स, फर्स्ट रिजेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी एंड सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लैकिंग इन साइंटिफिक वैलिडिटी। दो बातें इसमें कहेंगे, पहला तो जो राजनीति प्रशासन द्विविभाजन था 1887 से 1926 के बीच, जो विड्रो विल्सन के लेख से जिसकी शुरुआत हुई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको नकार दिया गया कि ये लोक प्रशासन अलग नहीं है राजनीति विज्ञान से। एंड सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लैकिंग साइंटिफिक वैलिडिटी। जब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, प्रशासनिक विज्ञान की बात करते हैं, तो ये सिद्धांत तो दिए गए हैं विचारकों द्वारा, लेकिन इसमें साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है, ये वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित नहीं है। एंड हर्बर्ट साइमन, इसी क्रम में हर्बर्ट साइमन ने एक लेख लिखा था प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1946 में ये लेख इनका पब्लिश हुआ था। बाद में इनकी किताब भी आई है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एक साल बाद 1947 में। तो जो इनका ये लेख था प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन की कहावतें या लोकोक्तियाँ या मुहावरे कह लीजिए, तो ये कह करके प्रशासनिक सिद्धांतों का हर्बर्ट साइमन ने उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया कि कैसे सिद्धांत कैसे हो सकते हैं लोक प्रशासन के, उसको एक मुहावरे की संज्ञा दी। और ऐसा क्यों कहा कि जैसे जब हम फ्योल को पढ़ते हैं तो यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के। और जैसे आदेश की एकता है, यूनिटी ऑफ कमांड, साथ में जब हम टेलर को पढ़ते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप, तो फ्योल ने यूनिटी ऑफ कमांड ने बात की कि एक व्यक्ति से आदेश प्राप्त होना चाहिए, और टेलर वहीं कहते हैं कि नहीं, 8 पर्यवेक्षक होने चाहिए, 8 लोग होने चाहिए पर नियंत्रण करने के लिए। तो एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को कहीं ना कहीं काट रहा है, सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जो समान रूप से कहीं भी लागू किए जा सकें। और दूसरा, फ्योल बात करते हैं केंद्रीकरण की, गुलिक बात करते हैं विकेंद्रीकरण की, तो ये सिद्धांत आपस में ही एक दूसरे को काटते हैं। तो इनको प्रोवर्ब्स कह करके साइमन ने नकार दिया कि कोई ऐसे प्रशासनिक सिद्धांत नहीं हो सकते। और दूसरा बहुत बड़ी चैलेंज दी थी रॉबर्ट ए डाल, रॉबर्ट डाल का नाम आपने सुना होगा, इनकी फेमस बुक है द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स, 1947 में ये प्रकाशित हुई थी। तो इन्होंने भी प्रशासनिक विज्ञान का, प्रशासन को विज्ञान बनाने का दावा तब तक खोखला है जब तक कि इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता। अब उन्होंने ये बोला कि जैसे लूथर गुलिक हैं, उर्विक हैं, या जो भी थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरीज दी हैं, एक बंद कमरे में बैठ करके ये सिद्धांत आपने विकसित कर लिए, बना लिए, लेकिन उन आपने तुलनात्मक अध्ययन तो किया ही नहीं। तो जब तक कंपैरेटिव स्टडी नहीं होगी, अन्य देशों में प्रशासन किस प्रकार का है, उनकी व्यवस्था कैसी है, आप स्टडी नहीं करेंगे, कैसे इस तरीके से सिद्धांत दे देंगे, तो इसको नकार दिया। थ्री प्रॉब्लम्स भी उन्होंने बताई थी कि क्यों एक प्रशासन को विज्ञान बनाने का दावा नहीं किया जा सकता है, उसकी कुछ 3 समस्याएँ हैं, उसमें बाधाएँ हैं। पहला तो है वैल्यू फ्री, जो साइंस होता है वो वैल्यू फ्री है, उसमें उसके अंतर्गत मूल्य नहीं पाए जाते, वैल्यू न्यूट्रल है, जबकि प्रशासन में मूल्यों की बहुलता है, मूल्यों की अधिकता है, मूल्य के बिना प्रशासन नहीं हो सकता है। दूसरा, इन्होंने बताया कि मनुष्य का जो व्यवहार है उसमें भिन्नता होती है,
अलग अलग मनुष्य का व्यक्तित्व तो अलग अलग तरीके का होता है, तो उनके कार्यों में भी भिन्नता आ जाती है, तो इससे एक तरीके से लागू ही नहीं होगा। और साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो विज्ञान की बात हम लोग करते हैं, उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, तो दूसरी ये बात है। तीसरा बताया कि सामाजिक ढांचा जो है, सामाजिक परिवेश, लोक प्रशासन एक सामाजिक परिवेश में काम करता है, सबसे बड़ी बाधा तो यही है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स रॉबर्ट डेल ने बताई, और इसको पूरी तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया, इसको विज्ञान कहने की बात रिजेक्ट कर दी। सबसे बड़ा उसके बाद लास्ट में ये भी एक फैक्टर है, हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट, एल्टन मेयो को आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो उन्होंने दी थी, कि संगठन में जो मानवीय की बात की गई है, मानवीय तत्व हैं, मानवीय तत्वों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, संगठन में काम करने वाले मनुष्य होते हैं और मनुष्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, आप इस तरीके से उनको मशीन नहीं माना जा सकता है। तो ऐसे कई लोगों ने, कई विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। इस फेज में इसको क्राइसिस, इसको चैलेंजेस का टाइम पीरियड कहा जाता है फेज 3 को, और लोक प्रशासन को बहुत गहरा इसमें धक्का लगा, लोक प्रशासन विषय का अस्तित्व ही संकट में आ गया। तो फेज 4 यहाँ पर आता है और उसको नाम दिया गया है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, 1948 से 1970 के बीच का है। तो इसमें क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, जैसा कि आइडेंटिटी में ही उनका क्राइसिस हो गया, कि मतलब पहचान पर ही संकट आ गया, वो स्वतंत्र अस्तित्व तो कैसे बनाए रख सकता है लोक प्रशासन, इतनी चैलेंजेस उसे मिली थी। तो इस फेज में क्या हुआ कि कुछ विद्वानों ने जो पॉलिटिकल साइंस से गए थे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग हुआ था, तो उसके जो विद्वान थे वो अपने विषय में वापस आ गए। कुछ वहाँ पे बचे जो उसको बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, प्रबंध विज्ञान का सहारा लिया। उनका ये मानना था कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो टेक्निक्स होती हैं, भले ही ये पब्लिक सरकार करती है, लेकिन है तो टेक्निक्स तो वही हैं जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अपनाई जाती है। तो उनके साथ मिल करके एक जर्नल बनाया, मिल करके पत्रिका का प्रकाशन किया, शुरुआत की एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली 1956 में। और यहीं पर इमरजेंस होता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे अलग है, जब हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक अलग से पढ़ाएंगे तो इसके विस्तार से चर्चा करेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे कैसे इमरजेंस हुआ। तो इसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट फेज है लास्ट पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, 1971 से माना जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिकेम इंटरडिसिप्लिनरी एंड लेड टू राइज ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने बताया कि जब क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी वाला फेज चल रहा था, तो विद्वान जो निराश होकर के अपने राजनीति विज्ञान में वापस लौट गए थे, कुछ प्रयास कर रहे थे कि लोक प्रशासन विषय को बचा लिया जाए। और जो एक सिद्धांतों का स्वर्णकाल, हमने जो सेकेंड फेज की बात करी, उस समय एक जो घमंड आ गया था लोक प्रशासन को कि हमारे पास सिद्धांत है, हम एक स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकते हैं, उस पर कहीं ना कहीं धक्का लगा था फोर्थ फेज में। तो इन सबसे सीखा लोक प्रशासन ने, और फिफ्थ फेज जो पब्लिक पॉलिसी का कहा जा रहा है, तो उन्होंने माना कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति, लोक नीति को अगर हम छोड़ देंगे, सिर्फ क्रियान्वयन की बात करेंगे, तो हम अस्तित्व में अपने आप को बनाकर नहीं रख सकते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी कहीं ना कहीं प्रशासकों का जो सहयोग होता है, वो पॉलिसी मेकिंग में भी होता है, केवल हम एग्जीक्यूशन पर फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासक ही मदद करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मंत्री होते हैं एक प्रशासक की तुलना में कम योग्य होते हैं, तो बिना प्रशासक की मदद के कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम बनाया नहीं जा सकता है। तो पब्लिक पॉलिसी लेकर के आए, और हर देश में अपनी एक पब्लिक पॉलिसी होती है, चाहे वो कोई भी देश हो, तो ये तो हर जगह एप्लीकेबल है, ताकि हमारा अस्तित्व बना रहे। इस विषय में पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव को अपनाया, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का राइज ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने अभी पिछली बार बताया था कि फेज 4 में भी इसका इमरजेंस हो गया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन की बात की जाने लगी, जो कमियां थी परंपरागत लोक प्रशासन में, उन्हें दूर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मोर फोकस ऑन पॉलिसी, पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस किया गया, एंड CPN डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसी समय फ्रेडरिक्स की एक पुस्तक आई थी 1961 में, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने उसमें तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात की थी, विकास प्रशासन की बात की थी। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुरुआत की भी शुरुआत हुई यहाँ पर। एंड अदर ट्रेंड्स की बात करें तो PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है कि सरकार जो प्राइवेट
ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मदद से, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शंस है या कोई भी मेट्रो का काम है, तो कैसे प्राइवेट का सपोर्ट लेकर के सरकार अपना काम कर सकती है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात की जाने लगी, उसके अंतर्गत मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी हमेशा ही कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं, इमरजेंस ऑफ नॉन गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेटाइजेशन, एनजीओज नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है उनका इमरजेंस हुआ, प्राइवेटाइजेशन की बात की जाने लगी, और एनपीए और एनपीएम इनका भी इमरजेंस हुआ, एनपीए के बाद एनपीएम की भी बात हम करेंगे, दोनों एक सेपरेट टॉपिक में हम अलग इन पर चर्चा करेंगे। तो आज हमने देखा कि कैसे लोक प्रशासन विषय का विकास हुआ और इनको 5 फेज में एक अध्ययन की सुविधा से इन्हें 5 चरणों में बांटा गया अलग अलग, ताकि हम समझ पाएँ कि कैसे किस क्रम में आज हम लोक प्रशासन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है, इसकी अमेरिका में बहुत ज़्यादा इसको पॉपुलरिटी मिली हुई है, हमारे देश में तो इतना नहीं अभी हो पाया है। हमारे देश में लोक प्रशासन सबसे पहले अगर बात करें तो इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो फादर हैं, जिनको जब माना जाता है, प्रोफेसर एमपी शर्मा, और सबसे पहले कहा जाता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम था उसमें सबसे पहले पेपर जोड़ा गया 1930 में, 1930 में, और फिर नागपुर विश्वविद्यालय में अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया। इस तरीके से फिर देश में डिपार्टमेंट खुलने लगे, अब तो कई यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसको हमने देखा, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात की। अगली क्लास में हम अपने इसी में से जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उस अलग टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।